उत्पादन इकाई बनारस रेलवे कारखाना में आयोजित राजभाषा पखवाड़ा के पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह के अवसर पर इस प्रेक्षागृह में उपस्थित आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, प्रमुख विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारीगण, पर्यवेक्षक, कर्मचारी परिषद एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। राजभाषा पखवाड़ा की शुरुआत 14 सितंबर से होकर विभिन्न पड़ाव जैसे कर्मशाला, कार्यशाला, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पुस्तक चर्चा, तकनीकी गोष्ठी, भारतीय स्मृति दिवस से गुजरते हुए आज पुरस्कार वितरण एवं समापन के दुनिया अवसर तक आप पहुंची है। आज राजभाषा पखवाड़ा का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय दरिका के महाप्रबंधक आदरणीय श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव जी, श्री सुब्रत नाथ पीसी महोदय, पीसी सर, सीवीओ, पीसीपीओ और हमारे सभी विभागाध्यक्ष और हमारे सारे साथीगण, कर्मचारी परिषद एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि, दिव्यों हाजिर हैं। आज की इस पुरस्कार एवं समापन समारोह में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। विशेष करके मैं स्वागत अपने महाप्रबंधक महोदय जी का करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना एक बहुमूल्य समय हमें इस समापन समारोह में आगने का दिया। ये पूरा महीना सितंबर महीना पूरा ये हिंदी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस हिंदी आपकी मातृभाषा है हमारी और हम बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ हमारी राजभाषा भी हिंदी की है और हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं और हम शत प्रतिशत हिंदी में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं और सबों ने दरिका में जो ये राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया, हिंदी उत्सव मनाया गया, सबों ने बड़े बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई, भारतेंदु हस्तमृति दिवस मनाया गया, तकनीकी गोष्ठी हुई, हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया और सबों ने बड़े ही उत्साह के साथ हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी पखवाड़ा के रूप में इसको मनाया। मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अपने बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं? क्या पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि उनसे उनके बालों का बोझ नहीं संभलता? ये एक साथ पढ़े लिखे लोगों की आंखें इतनी कमजोर क्यों हो गई है? क्या दिमाग की कमजोरी उसका कारण है या कुछ और? लोग खिताबों के पीछे इतना भागते क्यों है? वगैरह वगैरह। लेकिन इस समय मेरे दिमाग में एक दूसरा ही प्रश्न उठ रहा है जिसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन? सभ्यता के लक्षण क्या है? अगर सरसरी निगाह से देखा जाए तो इससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता। बच्चा बच्चा इसका जवाब दे सकता है, लेकिन जरा गौर से देखा जाए
तो ये सवाल उतना आसान है नहीं जितना आप और मैं इसे समझ रहे हैं। क्या कोट पतलून पहनना, टाई कॉलर हैट लगाना, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोका कोला, पेप्सी, चाय, शराब, सिगरेट पीना सभ्यता है? अगर ये सभ्यता है तो आपको उन लोगों को भी सभ्य कहना होगा जो लोग शाम को सड़कों पर टहलते हुए नजर आ जाते हैं, शराब के नशे में आंखें सुर्ख, पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलते हुए लोगों को अनायास ही छेड़ने की धुन, क्या उन्हें सभ्य कहा जा सकता है? कतई नहीं। तो इससे यह तय होता है कि सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका हमारे देह से इतना संबंध नहीं है जितना कि हमारे मन से है। मन से मेरे इन्हें गिने मित्रों में एक राय रतन किशोर है। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही नेक, बहुत ही उदार और एक ओहदेदार आदमी है। बहुत अधिक वेतन पाने पर भी आपकी आमदनी खर्च के लिए काफी नहीं होती, 1/4 वेतन तो बंगले की ही भेंट जड़ जाता है, इसलिए आप बहुधा चिंतित रहते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई राय साहब, ये बताइए कि आपकी आमदनी इतनी कम है तो खर्च कैसे चलता है, है? कुछ कहा आपने? रिश्वत? अरे नहीं नहीं नहीं, रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैं तो नहीं जानता। हालांकि उनके यार दोस्त कहते जरूर हैं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि राय साहब अपने भत्ते बढ़ाने के लिए दौरे खूब किया करते थे। अरे कभी कभी तो बजट के दूसरे मद से रुपए निकालकर उन्हें देने पड़ते थे। पर मजे की बात यह है कि राय साहब दरअसल उतने दौरे किया नहीं करते थे जितना अपने रोज नामचे में लिखा करते थे। उनके अमले शहर से 50 मील पर होते, कैंप वहां गड़े रहते, अमले वहां पड़े रहते, और राय साहब अपने घर में अपने यार दोस्तों के साथ बैठकर चाय की चुस्की लिया करते थे। एक दिन मैं उनसे मिलने उनके घर गया। उस दिन वो अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी उनके दिन रात का नौकर था, लेकिन रोटी खाने वो अपने घर जाया करता था। उसका घर पास के ही एक गांव में था। कल रात को वो किसी कारण से राय साहब के यहाँ आ न सका था, इसलिए उसे ही डांट पड़ रही थी। क्यों वे दमड़ी, अरे जब हमने तुझे अपने दिन रात का नौकर रखा हुआ है तो तू कल रात काहे नहीं आया? हुजूर, कल रात कुछ मेहमान आ गए थे हुजूर, इसलिए आ न सका मालिक, माफ कर दे। ओह भाई वाह, तो अब दमड़ी हुजूर भी मेहमान नवाजी करने लगे। वाह, तो सुन, कल के पैसे भी तू उसी मेहमान से ले लेना। अरे ना मालिक, माफ कर दे मालिक, माफ कर दे, अब कभी दोबारा ऐसी गलती ना होगी मालिक, समय पर आ जाया करूंगा। चुप कर, जबान लड़ाता है, 2 रुपए जुर्माना। ना मालिक, गलती हो गई मालिक, बच्चे भूखे मर जाएंगे मालिक, ऐसा मत करे मालिक, गलती हो गई। दमड़ी रोता हुआ चला गया। रोजा बख्शाने आया था, नमाज गले पड़ गई, 2 रुपए जुर्माना ठुक गया। उसकी खता सिर्फ इतनी थी कि वो अपना कसूर माफ कराना चाहता था। कल वहां दिन भर वो काम कर चुका था, सिर्फ रात को सोने नहीं आया था, इसलिए उसे ये दंड मिला था। और घर बैठे भत्ता उड़ाने वालों की कोई नहीं पूछता, उन्हें कोई दंड नहीं देता। अरे दंड मिले, और ऐसा मिले कि जीवन भर याद रहे, पर ऐसे लोगों को पकड़ना ही तो मुश्किल है। अगर दमड़ी भी जरा होशियार होता ना, तो कल देर रात रहे अपने कोठरी में आकर सो जाता, फिर किसे खबर थी कि कल रात वो कहां था। पर वो गरीब इतना चंड ना था। दमड़ी के पास कुल 6 बिस्वे जमीन थी, पर इतने ही आदमियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और उसकी स्त्री सब एक साथ मिलकर खेतों में काम किया करते थे, फिर भी 2 जून की रोटी मैसर नहीं होती थी। अरे इतनी सी जमीन क्या सोना उबल देती? हाँ, अगर सब के सब किसानी छोड़कर मजदूरी करने लग जाते तो शायद ये मुमकिन था, लेकिन एक मौरूसी किसान मजदूर कहलाने का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे इसी से बचने के लिए तो उसने 2-2 बैल अपने दरवाजे पर बांध रखे थे।
किसान की जो प्रतिष्ठा होती है वो भला मजदूर की हो सकती है नहीं, भले ही वो रुपए रोज क्यों ना कमाए। हाँ, किसानी के साथ मजदूरी करना ये अलग बात है, क्योंकि दरवाजे पर बंधे हुए बैल उसकी मान रक्षा किया करते हैं, पर उन बैलों को बेचकर मुंह दिखाने की जगह कहीं रह सकती थी भला। सर्दियों का दिन था, दमड़ी कांपते हुए काम किए जा रहा था, राय से निभा रहे थे, खुद दूसरों के पेड़ खरीदते थे और दान दे देते थे। उनके गुजरने के बाद मैंने लकड़ी देना भी तुरंत बंद कर दिया। खूब हल्ला मचा, खूब रोना धोना मचा। अब दूसरों का रोना धोना देखूं कि अपना फायदा देखूं? है, लकड़ी से मुझे लाखों रुपए की सालाना बचत हो गई। अब कोई झिकझिक करने भी मेरे पास दरवाजे नहीं आता। मेरे मन में फिर एक बार ये सवाल पैदा हुआ कि इन दोनों में सभ्य कौन? अपने कुल मर्यादा पर अपने प्राणों की बलि देने वाला ये मूर्ख दमड़ी, राय साहब की इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश हुआ। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था, तो उसकी जमानत के लिए राय साहब की सिफारिशें होने लगी। रईस का हुक्म था कि चाहे पूरी रियासत बिक जाए लेकिन मैं इस मामले से बेदाग निकल जाऊं। फिर क्या था, राय साहब के यहां डालियां लगाई गई, सिफारिशें पहुंचाई गई, पर राय साहब पर इन बातों का कोई असर ना हुआ। जब कोई मामला बनता हुआ दिखाई ना दिया तो दो औरतों को बीच में लाकर ये मामला, दोनों स्त्रियों में रात को बात होने लगी। रात के 10 बजे थे। अजी, दोनों औरतों में बात होते 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 लाखों रुपए पर आकर टिक गई। अरे राय साहब की पत्नी तो इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि दौड़ते हुए राय साहब के पास आई और कहने लगी, ए जी ले लो ना। अरे मैं तो कहती हूँ कि ले लो। अरे कमबख्त इतनी बेसब्र ना हो, है? अरे वो तुझे अपने दिल में क्या सोचेगी, है? अपनी कुछ इज्जत का ख्याल है कि नहीं? अरे माना की रकम बड़ी है और इससे मैं तुम्हारी एक बार की सारी फरमाइशों से मुक्त हो जाऊंगा। पर एक सिविलियन की कोई इज्जत है कि नहीं, है? अरे तुम्हें बिगड़कर कहना चाहिए था कि ऐसी बेहूदी बातें करनी हो तो यहां से निकल जाओ, मैं ऐसी बातें सुनना नहीं चाहती। अजी कहा था, सब कुछ कहा था, पर वो है कि माने मनती नहीं है, टाले नहीं कर रही है। अरे तूने पहले ये कहा था कि नहीं कि राय साहब से रिश्वत की बात करूंगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे? अजी आप ही की तो बीवी हूं, आपने जितना समझाया था सब वैसा ही कहा था, पर वो कमबख्त अपना माथा पटक पटक कर अपनी जान दिए दे रही है। अरे कहीं तूने उससे वादा तो नहीं कर लिया? अजी वादा, मैं तो रुपए लेकर संदूक में रखा ही, नोट थे नोट करा रहे। अरे कमबख्त, न जाने ईश्वर तुझे कभी समझ देगा भी कि नहीं देगा। अजी देना होता तो देना दिया होता अब तक। राय साहब ने कहा, आप तो जमानत लेनी ही पड़ेगी। इधर स्त्री और पुरुष में ही अभिनय चल रहा था। उधर दमड़ी, दमड़ी अपने गांव के मुखिया के खेत से जुआर काट रहा था। वो आज रात भर की छुट्टी लेकर गया था। घर में बैलों के लिए दाने का एक तिनका नहीं था, वेतन मिलने में अभी देरी थी इसलिए मोल नहीं ले सकता था। घर वालों ने दिन में कुछ घास छील कर खिलाई थी, पर ऊंट के मुंह में जीरा, इतनी सी घास से क्या होने वाला था भला। दमड़ी जब अपने घर पहुंचा तो दोनों बैल उसे दूर से ही आता देखकर पूंछ खड़ी करके हुंकारने लगे। दमड़ी थोड़ा और पास गया तो दोनों बैल उसकी हथेलियां चाटने लगे। दमड़ी मन महसूस कर रह गया, सोचा कि इस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता, सवेरे इनके लिए कुछ कर्जा लेकर कुछ दाना चारा लेकर आऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि दोनों बैल अभी तक नाद पर खड़े हैं। चांदनी रात थी, दोनों बैल उसकी ओर याचना और शुधा की दृष्टि से देख रहे थे, उसकी आंखें सजल हो आई। किसान को अपने बैल अपने लड़कों से ज्यादा प्यारे होते हैं, वो उन्हें अपना पशु नहीं अपना सहायक समझता है, अपना मित्र समझता है। तमड़ी से रहा नहीं गया, तुरंत उठ खड़ा हुआ, हंसिया निकाली और गांव के बाहर निकल आया। गांव के बाहर बाजरे और जौ के खेत लहरा रहे थे, लेकिन उसे काटने की हिम्मत नहीं हुई। उसके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे फिर से उत्तेजित कर दी। वो खेतों में उतरा और थोड़े थोड़े बोझ काटने लगा। उसने केवल उतना ही चारा काटा
जितना उस रात उसके बैलों के लिए जरूरी था। वो चोरी करते हुए भी चोर नहीं था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर उसे किसी ने देख भी लिया तो क्या हुआ, कह देगा कि बैल भूखे थे इसलिए काट रहा है। उसे यकीन था कि उसे जाते हुए चारे के साथ कोई देखेगा तो बिगड़ेगा जरूर, पर उसे कोई चोरी के इल्जाम में फंसाएगा नहीं। उसने सोचा कि किसी को कोई बोलेगा तो मैं उसे उसके पैसे दे दूंगा। पर अचानक उसी वक्त गांव का एक सिपाही उधर से गुजरा। उसे गांव में किसी के यहां जुआ होने की खबर मिली थी तो कुछ ऐठने की टोक निकला था। उसने जब दमड़ी को बोझ उठाते हुए अपने सर पर देखा तो उसे लगा कि इतनी रात गए कोई चोरी चोरी कर सकता है। उसने हड़कते हुए कहा, ए खड़ा रह वहीं पर। दमड़ी ने देखा कि सिपाही उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने बोझ रख दिया और कहा, साहब थोड़ा सा ही तो काटा है, देख लीजिए साहब, बैल भूखे थे, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे थोड़ा काटा हो या ज्यादा काटा हो, चोरी तो चोरी है, खेत किसका है? बलदेव महतो का है मालिक। सिपाही को लगा था कि शिकार फंसा है, इससे कुछ ऐठूंगा, लेकिन उसके पास मिलने वाला क्या। वो उसे घसीटते हुए गांव लेकर आया। वहां भी जब कुछ नहीं मिला तो वापस वो घसीटते हुए उसे थाने ले गया। थानेदार ने चालान करके मुकदमा कायम कर दिया। फिर तू मुक्त हो जाएगा। अरे लोग तो मुझे कहेंगे, इज्जत तो मेरी जाएगी कि राय साहब के नौकर चोर और बदमाश है। अगर तू मेरा नौकर ना होता ना तो मैं तुझे हल्की सी। कार्यालय अधीक्षक केंद्रीय चिकित्सालय, दीपेश कुमार पांडे कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक महागौर, कार्यालय अधीक्षक सतर्कता, प्रशांत चक्रवर्ती जी संरक्षा अधिकारी प्रावधिक प्रश्न के, पीटर प्रावधिक प्रश्न के, सीनियर सेक्शन इंजीनियर भाग ईसा बानो सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रीशियन विद्युत कॉलोनी, इनका सिंह सीनियर सेक्शन इंजीनियर विद्युत, श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह सहायक विधि विभाग डोर डिजाइन कार्यालय, श्री आनंद प्रकाश सिवा सीनियर सेक्शन इंजीनियर विद्युत, राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में श्री गौरी शंकर सिंह सीनियर सेक्शन प्रावधिक प्रश्न के, वीरेंद्र कुमार प्रावधिक प्रश्न के, श्री मोटर विद्युत प्रशिक्षण जूनियर इंजीनियर प्लांट एंड कोल डिजाइन कार्यालय, राजेश कुमार शुक्ला सहायक अभिकर्ता कार्यालय अधीक्षक अभिकर्ता जूनियर, अंजना शर्मा कार्यालय, नवीन कुमार अभिषेक कुमार, अधिकारी
इधर देखिए श्री अजय श्री राजेश कुमार श्री राजेश कुमार श्री संजय कुमार सिंह सीनियर सेक्शन श्री सामान्य कार्यालय यास्मीन फातिमा कार्यालय अधीक्षक सतर्कता अनुभाग अनिता कार्यालय अधीक्षक प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक प्रसाद श्रीवास्तव कोशिश रहेगी राजभाषा पखवाड़ा में आयोजित पुस्तक चर्चा ये अनुज कुमार टेक्निशियन LTS पूनम सिंह लेखा सहायक लेखा विभाग आपने निर्मला मुंशी प्रेम जी आपने इसलिए कि मैं नारी हूँ परमा सिंह की लिखी पुस्तक की चर्चा की थी श्री मनीष कुमार चर्चा की थी श्री प्रणव कुमार पांडे जूनियर इंजीनियर सेवा सदन श्री नमन प्रशिक्षक ड्रैगन्स गेम श्री अरविंद कुमार तिवारी श्री गौरी शंकर सिंह सीनियर सेक्शन इंजीनियर आप श्रीमती प्रभा सिंह AGT इंटर कॉलेज बहुत बहुत धन्यवाद सर अब आदरणीय महाप्रबंधक महोदय से वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारी पर्यवेक्षक कर्मचारी परिषद एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि देवियों एवं सज्जन आप सभी को राजभाषा और द्वारा की हार्दिक शुभकामनाएं मैं जो औपचारिक जो संबोधन है वो तो मैं करूंगा लेकिन मैं वहाँ बैठा हुआ था तो इसके नीचे आपके जो बोर्ड लगा हुआ है इसके नीचे लिखा हुआ है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को हो मेरे ख्याल से राजभाषा पखवाड़ा का और राजभाषा का सार इसी में मैं थोड़ा सा चूँकि राजभाषा का मौका है तो मैं बोलना चाहूँगा मैंने लगभग 10-15 देशों का भ्रमण किया है सरकारी गैर सरकारी कार्यों को देखते हुए और उनके साथ काम किया है जैसे जापानीज के साथ काम किया है जर्मन्स के साथ काम किया है फ्रेंच के साथ काम किया है चाइनीज के साथ काम किया है उन सब के साथ एक कॉमन चीज थी सबकी अपनी एक भाषा जब वो आपस में बात करते थे तो चाइना से जो आता था वो चाइनीज में बात करता था भले वो हम लोगों से जब इंटरेक्ट करता था ऑब्वियसली अगर हमें दो लोगों से संबंध स्थापित करना है तो हमें ऐसी कॉमन भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि दोनों लोग अंडरस्टैंड करें लेकिन वो अपनी जब बोलचाल में आप आपस में बात करते हो तो अपनी भाषा का इस्तेमाल बस यहीं पे सारी और चाइना जापान जापानीज के साथ करीब 7 साल काम किया मैंने वो भी आपस में बात करेंगे आपके साथ मीटिंग चल रही होगी आपस में बात करेंगे जापानीज में बात करेंगे और हमारे इंटरेक्शन ऑब्वियसली इंग्लिश में होता है जापान जाइए वहाँ आपको हर व्यक्ति जापानीज में बात करता हूँ मुझे लगा चाइना गया था मैं चाइनीज में तो एक ये जो चीज है ना ये जो लिखा हुआ निज भाषा उन्नति है सब उन्नति क्यों हो अगर हम उनसे उनकी प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से कहीं एक विचारणीय बात है कि क्या उनके प्रगति में ये सहायक है क्या ये प्रश्न जरूर करना चाहिए हमें और उसी परिप्रेक्ष्य में हमको ये भी देखना चाहिए कि हम जब कहीं बाहर जाते हैं हम किस भाषा का उपयोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए करते हैं मेरे ख्याल से यही राजभाषा पखवाड़े का एक विचारणीय बात होगा जो आप अपने साथ घर लेकर जाएं
बाकी मैं औपचारिक संबोधन किया था। हर्ष और गौरव का विषय है कि जिस प्रकार बरेला अपने उत्पादों की कीर्तिमान बनाते जा रहा है, उसी प्रकार राजभाषा के प्रयोग प्रसार की दिशा में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। बरेला को हाल ही में रेल मंत्री राजभाषा शील जैसा बताया गया प्राप्त हुआ है, इसके लिए आप सभी लोगों को बधाई। वाराणसी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के लिए, अभी किसी ने पुस्तक चर्चा में रामचरितमानस की बात करी तो रामचरितमानस की रचना भी हम श्रेय दे सकते हैं कि तो वाराणसी हमेशा से हिंदी का केंद्र था और हम लोग वाराणसी में हैं, बहुत सारे साहित्यकार भी हैं वाराणसी में। तुलसीदास से लेके आधुनिक काल में भारतीय द्वारेश्वर प्रेमचंद जयशंकर साहब, ये हमारे अग्रणी हिंदी के लेखक रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोग अपने दिन भर के दैनिक कार्यकलाप में हिंदी का उपयोग करेंगे। जो महत्वपूर्ण बात थी आज के समारोह में श्री नीरज उपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का प्रस्तुति की सभ्यता का रहस्य, बहुत गुड़ बातें बताई। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस उसको कहानी की तरह ना लेके शाब्दिक तौर पर ना लेके भावनात्मक तौर पर देखेंगे कि उस कहानी में भावना कहाँ पर है। बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीजें हम बहुत एक बाउंड्री में फिक्स कर देते हैं कि भाई ईमानदारी का मतलब ये होता है, सभ्यता का मतलब ये होता है, तब वो जो कहना चाह रहे हैं भाई हम एक बक्से में तुम्हारी ईमानदारी, हमारी ईमानदारी, हमारी सभ्यता, आपकी सभ्यता अलग हो सकती है, लेकिन परिपेक्ष में अगर हम सभ्यता के परिपेक्ष में देखेंगे कि जो सभ्यता जैसे वो उन्होंने दमड़ी जो चरित्र था, अब उसको चोर कैसे कह सकते हैं आप कहें तो अगर एक बक्से में बंद करें तो वो चोर है, लेकिन अगर उस बक्से से बाहर देखेंगे तो शायद कुछ और नहीं है। बस यहीं पे हमको ये सारी चीजें हिंदी में जो बताया गया तो ये भी हमें आज बहुत बढ़िया नॉलेज दिया और ये हमें सोचने को मजबूर करती है। आज की ये पुरस्कृत अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य में और भी जो रह गए हैं वो भविष्य में और इस तरह से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। एक बार आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। देखेंगे ready।